तो यहाँ आपने समझना है गियर कैसे काम करना है। हमने क्या करना है, एक प्लस का निशान बनाना है, क्या बनाना है प्लस का, और ये जो माइनस वाला निशान है जो पड़ी लाइन है उसको हम थोड़ा डार्क करेंगे क्योंकि ये न्यूट्रल की लाइन है। यहाँ पे होती गिरा रही इसके गियर की, गियर आपका इस तरह से खड़ा होता है, क्या होता है अगर आपने जस्ट सीधा किया तो गियर लग गया थर्ड, कौन सा लग गया तो यहाँ थर्ड लिख देंगे, न्यूट्रल आ गए और यहाँ हो गया फोर्थ। ये वाली जो लाइन है ये आपकी न्यूट्रल की लाइन है, कौन सी लाइन है न्यूट्रल, समझने के लिए आपके आप सड़क है, घर के सामने एक घर है और इधर घर है, किसी घर में जाना है आपको सड़क बार बार आना पड़ेगा। अब हमने फर्स्ट लगाना, क्या लगाना है फर्स्ट, तो फर्स्ट कंपनी ने यहाँ पे दिया है, सेकंड यहाँ है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे दिया है, सिक्स आजकल यहाँ आ गया, पुरानी गाड़ी में यहाँ पे रिवर्स हुआ करता था, जिसमें यहाँ सिक्स आ रहा है उसका रिवर्स यहाँ पे आ रहा है, तो वो यहाँ पे एक हुक बटन होता है किसके अंदर, यहाँ गियर पे, गियर पे हुक बटन होगा तब वो रिवर्स गियर लगता है, ठीक है। तो हमने क्या समझना है, पहले नॉर्मल गाड़ी में समझना है, ये किया हमने लेफ्ट और आगे, क्या बना दिया हमने एल, क्या बना दिया, यहाँ पर शर्त है, यहाँ पर रेस रहेगी जीरो से लेके 20, कितना सबसे बेस्ट रेस होती है 15 कर लो, 15-10 मार्केट के लिए। अगर आपको यहाँ पर सेकंड लगाना है तो यहीं पे आपको झुकाना है, क्या करना है, उसके बाद लेफ्ट और ये गियर हो गया सेकंड, कौन सा हो गया एक सेकंड, न्यूट्रल पे हमेशा रुकते हैं। यहाँ पर शर्त क्या, सेकंड में रेस रहेगी 20 से लेके 30 तक, कितना रखेंगे आप 25 सबसे बेस्ट आती है रेस। अब आपको जाना है थर्ड में, किसमें जाना है आगे करेंगे, न्यूट्रल झुका के सीधा, किसमें गए हम थर्ड में, देखो ध्यान रखना सेकंड से थर्ड जाना और चौथे से पांच में जाना, सेम पिक्चर बनती है, देखो ये और ये, ठीक है। तो यहाँ थर्ड में रेस क्या रहेगी आपकी 30 से लेके 40, कितना 40, जैसे आप 40 से तेज चलाना चाहते हैं खुला एरिया मिल गया तब आपका गियर लगेगा चौथा, सबसे सिंपल गियर होता है न्यूट्रल फोर्थ, हो गया ठीक। यहाँ रेस कितनी रहेगी 40 से लेके 50, इससे ऊपर तेज चलाना चाहते हो या तो बीच में चलाओ, माहौल नहीं बनना है तो आपने क्या करना है न्यूट्रल झुका के 50 में रहेगी। अब यहाँ से 50 से ऊपर जितनी 60, 70, 100, 120 जितना चला सकते हो उतना कंट्रोल कर सकते हो, छोटी गाड़ी आपकी 180 और 110 के बीच में आपकी सेफ चलती है, ठीक है। सबसे हमने क्या कोशिश करना है कि हमने सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन रखना जिससे कि हादसे का शिकार नहीं हो। चलो गाड़ियों वालों को तो ड्राइविंग सिखा सकते हैं, जो पैदल चलने वाले हैं बाइक चलने वाले हैं उनको ड्राइविंग कौन सिखाएगा, सारी गलतियां तो उनकी वैसे एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। अब हमने रिवर्स लगाना, तो रिवर्स हमारा खड़ी गाड़ी में लगता है ये और ये, मतलब देखने में क्या है कि हमने सेवन बना दिया, क्या बना दिया सेवन, ये लग जाएगा गियर रिवर्स, क्या लग गया रिवर्स। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम गियर में करके दिखाएंगे, अभी लेफ्ट पैर से पूरा क्लच दबाओ, दब गया फर्स्ट गियर लगाओ, भी आप लेफ्ट करो और आगे फर्स्ट हो गया। फिर हमने क्या किया मीटर पर 20 की रेस बनाई, कितनी बनाई 20 की, सिर्फ हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 20 की रेस हुई क्लच आपकी दब जाएगी लेफ्ट झुकाते हुए, एक और दो, ये हो गया गियर सेकंड, कौन सा हो गया सेकंड। अब आपके हाथ की पोजिशन घूमनी चाहिए, फिर हम मीटर पर 30 की रेस बनाते हैं, कितने बनाते हैं 30 की, जैसी 30 की रेस बनेगी हल्के हाथ से न्यूट्रल करो, एक बार आगे पुश करो, ये हो गया गियर थर्ड, कौन सा हो गया थर्ड। अब हमने फोर्थ में जाना, फिर वापस रेस 40 की बनाएंगे, समय का वेट करेंगे, न्यूट्रल करेंगे हल्के हाथ से और एक गियर चौथा, कौन सा हो गया चौथा, ठीक है। अब हमने 50 में पाँचवें में जाना है, फिर रेस बढ़ाएंगे 50 की, आगे न्यूट्रल करेंगे और राइट झुका के कर देंगे थोड़ा पाँच में, क्या हो गया पाँच। अगर आपको रिवर्स लगाना है, रिवर्स लगाना है न्यूट्रल करना है और खड़ी गाड़ी में पूरा राइट करो और झुका के पीछे, क्या कर रहे हैं ये हो गया रिवर्स, क्या हो गया रिवर्स गियर हो गया। अब हम गाड़ी में स्टार्ट करके सारे काम करेंगे, क्लियर है यहाँ तक सब, तीन उंगली लगा के यहाँ पे दो उंगली लगा के जैसे भी आपने वहाँ से अनलॉक करना है उसको, बटन दबा के स्टैंड लगा दो यहाँ पे। अब हमने यहाँ खुद से ध्यान क्या रख सकते हैं, कंपनी तो हमें 3 फ्री सर्विस देती है, उसके बाद हमें सर्विस जब कराएंगे हमने खुद से देखते रहना, खुद बहुत सीखना है मिस्त्रियों से। तो हमने सबसे पहले बैटरी की तरफ चलते हैं, बैटरी के तार लूज नहीं होने चाहिए, अगर लूज हैं तो ग्रीस लगा उसे टाइट कर दो, गाड़ी में बैटरी में जंग नहीं आती। अगर 2-3 महीने के लिए आप कहीं जा रहे हो तो बैटरी के टर्मिनल खोल के रख दो, ठीक है, बैटरी की लाइफ बन जाएगी। ये कूलेंट बॉक्स एक्स्ट्रा बॉक्स रेडिएटर के अंदर डलता है, देखो अभी गर्म है, गाड़ी चल के आई है, गर्म में इसे नहीं खोलेंगे, इसलिए इसको खोल के हम पानी चेक कर लेंगे, इसमें पानी है या नहीं है, पानी इसके अंदर है, ठीक है। कूलेंट बॉक्स है, कूलेंट बॉक्स जो आपके रेडिएटर को ठंडा करता है, एसी फिल्टर को ठंडा करता है, ठीक है, एसी के उसको कूलेंट कर कूल करता है। उसके बाद चलते हैं हम, उसके बाद हमें पता होना चाहिए गाड़ी में कितने फिल्टर होते हैं, कितने जगह ऑयल डलते हैं। नंबर 1 है ब्रेक ऑयल, क्या है
जिसके द्वारा ब्रेक अच्छे इजी लगती है। ठीक है, यहाँ पर डलता है इंजन ऑयल। चेक करने के लिए जब गाड़ी ठंडी होती है तो यहाँ पर गेज बना हुआ है, गेज निकालना है। और ये दो पॉइंट तक आपका, दो पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए। ऑयल की मात्रा चेक कर लो, गाड़ा तो नहीं हो रहा, ऊपर तक है, ऊपर तक है। गाड़ी भी चल के आई है, गाड़ी चल के आई है तो इसलिए ऑयल घूम रहा है। जब आप कहीं जा रहे हैं मॉर्निंग में तब उस टाइम चेक कर लेना है। कम है तो रास्ते से खरीद के एक लीटर फिलहाल डाल लो, आगे फिर सर्विस करा लो। दो ऑयल हो गए, तीसरा होता है गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल। यहाँ ब्रेक ऑयल डलता है, वो आप मिस्त्री से चेक करा के गियर ऑयल वहाँ डला लो। ये हो गया गियर ऑयल, ठीक है। और कुछ होता है फिल्टर, ये तो हो गया एयर फिल्टर, ठीक है। एक फिल्टर होता है ऑयल के साथ, जो जब भी ऑयल जितने बार चेंज होता है मिस्त्री खुद चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है एसी फिल्टर। इतने चीज़ का आप ध्यान रखो। साथ में यहाँ पे एक बेल्ट होती है, इंजन बेल्ट, फैन बेल्ट बोलते हैं उसे। उसकी क्वालिटी मिस्त्री बता सकते हैं, उनको चेक करा लो। पुरानी गाड़ी हो जाती है, एक दो साल में बेल्ट की क्वालिटी यहाँ चेक कराते रहो। इतने आप खुद से ध्यान रखो और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइम टू टाइम सर्विस कराओ। अगर आपने कंपनी में सर्विस करा रहे हो तो बिल को सर्वर पर चढ़ाओ कंप्यूटर में अपने सामने, जैसे कि नेक्स्ट टाइम आपको पता चल सकता है कि हमने लास्ट टाइम क्या सर्विस कराई थी, कौन कौन से हमने पार्ट्स डलवाए थे, ठीक है। और प्राइवेट में करवा रहे तो कोई अच्छा बढ़िया सा मिस्त्री ढूंढ लो, जिसको रेगुलर अपना टाइम टू टाइम उसे पता चल सके कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था। और सामने मिस्त्री के साथ बैठ के आप सर्विस कराओ, जिससे कि आप देख देख के सीख भी सकते हो। थोड़ा बहुत खुद से काम नहीं कर सकते पर उतने नॉलेज आ सकती है। तो बोनट बंद कर दो, बोट इसको वहाँ फंसा दो और वहाँ से छोड़ दो, बस गुड।